तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कहते हैं एस्ट्रॉयड इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एस्ट्रॉयड है और सेंटर की तरफ आ रहा है, तो जब ये कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से इधर से आ रहा होगा, हमको नहीं पता है। तो जब ये किसी खास 10 R डिस्टेंस पर है अर्थ से, ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली 10 R। तो ये 10 R डिस्टेंस पे है, दिस इज नथिंग बट इट है 10 R डिस्टेंस। तो 10 R सेंटर से डिस्टेंस 10 R है, तो इस पॉइंट को मैं 2 बोल देता हूँ। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसकी स्पीड है 2, वो है 12 किलोमीटर पर आवर। और जब ये अर्थ को जस्ट हिट करेगा, ये हिट करने से पहले इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड मैं V1 मान लेता हूँ, वही हमें कैलकुलेट करना है। इसको मैं 0.1 बोल देता हूँ और इसको मैं 0.2 बोल देता हूँ। अर्थ के एटमोस्फियर को आपको नेगलेक्ट कर देना है और अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 ले लेना है। तो अर्थ स्केप वेलोसिटी अर्थ की क्या होती है? तो 2 टाइम्स Gm, अंडर रूट आर होता है भाई, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि Gm ओवर आर की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी स्केप वेलोसिटी। Gm ओवर आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये बाद में काम आएगा, Gm ओवर आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे ही ले लेते हैं। अब हमें एक काम करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देना है 1 और 2 पे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 1 मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 2। ये बहुत काम का टूल है इधर। तो 1 पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ½ m V1² जो कि हमें चाहिए, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल और रेडियस, बराबर होगा 2 पॉइंट पे ½ m V2² और माइनस पोटेंशियल एनर्जी। 2 पॉइंट पे देखोगे तो कितना आएगा, तो 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो Gmm और दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस r। तो फाइनली ये कुछ नहीं है, ये एक एलजेब्रिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके हमें V1 निकाल लेना है और हमारा सोलूशन हो जाएगा। तो चलो V1 की वैल्यू निकालते हैं। तो V1 कैसे निकाला जाए भाई? तो V1 निकालने के लिए प्यारे बच्चों देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और m कैंसिल कर दो, तो इधर बचेगा V1² और इसको मैं इधर भेज दिया तो ये प्लस आ जाएगा और 2 Gm ओवर R बचेगा, और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये Gm ओवर 5 बचेगा, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए V2² बचेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 9 Gm ओवर 5 और प्लस V2² यार, ठीक है। अब 9 Gm ओवर, हाँ, Gm ओवर R की वैल्यू क्या है? देखो पहले इक्वेशन से स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर का 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9/5 को मैं लिख सकता हूँ स्केप वेलोसिटी स्क्वायर 2 और प्लस V2² दिस इज द V1। तो V1 ये सब कुछ अंडर रूट, तो ये अपनी V1 की वैल्यू है। तो यही हमें चाहिए था V1। अब कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू रख दो। तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9/5, यहाँ से 9/, देखो 9/, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से 5 R आता ना, तो ये 5 R, एक मिनट, ये यहाँ से ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 Gm ओवर R इधर आ गया, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 5 R इधर बचा, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 10 और 9 Gm/5 ये बच गया। तो 5 Gm/R ये इसके वेलोसिटी। तो फाइनली अब कुछ नहीं करना, इसको वैल्यू रख देना है 9/10 और इसके वेलोसिटी का स्क्वायर 11.2 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो भाई इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो 0.9 और मल्टीप्लाइड बाई 11.2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 125.44, और ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस 144 इसमें ऐड होगा फाइनली। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली 256.89 अंडर रूट आ जाएगा, और जो कि V1 की जो वैल्यू बनेगी अप्रॉक्सीमेटली वो 16 किलोमीटर पर सेकेंड बनेगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।
तो ये जो है V1 की वैल्यू जो है, मतलब अर्थ को हिट करने से पहले इतनी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा एस्टेरॉयड के पास। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।